आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले ने यू टर्न ले लिया है। जिस स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट का दावा किया था, उन्हीं स्वाति मालीवाल के कई वीडियो केजरीवाल ने जारी कर दिए, जिसके बाद स्वाति मालीवाल के ऊपर ही झूठ बोलने और ड्रामा करने के आरोप लग रहे हैं। आप इन दोनों वीडियो को एक एक कर ध्यान से देखिए। पहला वीडियो 13 मई को सुबह 9:40 का है। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के जवान स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से बाहर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में स्वाति मालीवाल ठीक से चल रही हैं, वो ना लंगड़ा रही हैं और ना ही उनके कपड़े फटे हुए हैं। एफआईआर में उन्होंने दावा किया था कि उनकी बेरहमी से पिटाई हुई थी और उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे, लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। स्वाति मालीवाल खुद अपने पैरों पर चलकर जा रही हैं और दिल्ली पुलिस के जवानों से झड़प करते हुए भी दिख रही हैं। लेकिन आप दूसरे वीडियो को देखिए, ये वीडियो वारदात के 4 दिन बाद का है। इस वीडियो में स्वाति मालीवाल आराम आराम से चलते हुए दिखाई दे रही हैं, सीढ़ियों से ऐसे उतर रही हैं जैसे मानो उन्हें गहरी चोट आई हो। जो स्वाति मालीवाल 13 मई को ठीक चल रही थी, वो 17 मई को बीमारों की तरह चलने लगी और लंगड़ाने लगी। हमने दिल्ली पुलिस को सारी फुटेज अवेलेबल करवा दी है। हमने उनको कहा है वो जो सारी फुटेज देखना चाहते हैं वो देख ले। इस फुटेज को देख के सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस फुटेज को देखकर जो आज फुटेज अभी हमने आप लोगों से भी शेयर की है, ये भी सामने आ जाता है कि क्यों स्वाति वालीवाल जी ने उस दिन मेडिकल नहीं करवाया। ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो वो आरोप लगा रही थी कि कपड़े फटे हुए थे, मैं इतनी जोर की गिर गई कि मेरा सर फट गया, टेबल से लग गया, मेरे कपड़े फट गए, मैं दर्द में कराह रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मेरा चश्मा गिर गया, ये सारी फुटेज उस झूठ का पर्दाफाश कर देती है और दिखा देती है कि क्यों स्वाति मालीवाल जी ने 13 मई को कंप्लेंट पुलिस में नहीं करवाई, क्यों मेडिकल नहीं करवाई। हालांकि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन केजरीवाल की ओर से जारी वीडियो के बाद स्वाति मालीवाल ही सवालों के घेरे में आ गई हैं। स्वाति मालीवाल घटना वाले दिन पुलिस थाने गई, लेकिन ना ही उन्होंने अपना मेडिकल कराया और ना ही उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई। हालांकि गुरुवार देर रात हुए मेडिकल में ये खुलासा हुआ है कि स्वाति मालीवाल को चोट आई है। स्वाति मालीवाल के शरीर पर कुल 4 जगहों पर चोट के निशान पाए गए हैं। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि उनके बाएं पैर में चोट है। स्वाति के दाहिने गाल पर आंख के नीचे भी चोट के निशान पाए गए हैं। स्वाति मालीवाल के पैर में और दाईं आंख के नीचे समेत कुल 4 जगहों पर चोट के निशान पाए गए हैं। स्वाति मालीवाल का कहना है कि घटना के तुरंत बाद वो परेशान थी, इसलिए शिकायत दर्ज नहीं करा पाई थी। अब उन्होंने पुलिस में दर्ज शिकायत में जो बताया वो भी आपको जान लेना चाहिए। फिर हम आपको उस दिन का वीडियो भी दिखाएंगे जो केजरीवाल के घर के अंदर का वीडियो है। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में लिखा, 13 मई को सुबह 9:10 पर मैं सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। सीएम केजरीवाल घर पर मौजूद थे। मैं जब ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी तो विभव कुमार आया और गालियां देने लगा। मैंने कहा कि वो मुझसे इस तरह से बात करना बंद करे और सीएम को फोन करे। उसने कहा तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मुझे 7-8 थप्पड़ मारे, मैं चिल्लाती रही। मैं बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझ पर झपटे, बुरी तरह मेरी शर्ट को ऊपर खींच लिया, मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल पर मेरा सिर लगा और मैं मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव कुमार नहीं माने और अपने पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लात मारकर मुझ पर हमला किया। मुझे पीरियड्स हो रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे जाने दे क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूँ। हालांकि उन्होंने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बाहर निकल जाऊँ। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान चश्मा नीचे गिर गया। उस हमले से मैं भयानक सदमे की स्थिति में थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 पर फ़ोन किया और घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि कर ले जो तुझे करना है, तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसी जगह गाड़ देंगे किसी को पता नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं 112 नंबर पर हूं, तो वो कमरे से बाहर चला गया। स्वाति मालीवाल ने जैसा बताया है उस हिसाब से तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें वो ठीक तरह से घर से बाहर आते हुए दिखाई दे रही हैं, ना वो लंगड़ा रही हैं और ना ही उनके कपड़े फटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से एक और वीडियो क्लिप शेयर किया गया है जो वारदात वाले दिन का ही बताया जा रहा है। इस वीडियो में स्वाति मालीवाल विभव कुमार और पुलिस वालों को धमकाते हुए दिखाई दे रही हैं और सोफे पर बैठे हुए दिखाई दे रही हैं। आप बता देना, वो आपका है। आप मेरे को किसी से बात कर रहे हैं अभी अभी है।
अभी घर आ रहे हैं, आप आइए, आप उधर आप आइए ना। नहीं, मैं से छोड़ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, और जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सब भी तो कह रहे हैं, हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा कर रहे गंजा साला। प्लीज आप ऐसा ना बोले, जस्ट बिकॉज यू आर सीटी। इस वीडियो को जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दरअसल स्वाति मालीवाल बीजेपी के इशारे पर पूरा खेल खेल रही हैं और वो केजरीवाल को फंसाने के लिए उस दिन बिना अपॉइंटमेंट के ही घर आई थी। ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए है, ये पूरा मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है, और अरविंद केजरीवाल जी की जमानत होने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद उन पर ये आरोप लगाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने घटना के अगले दिन ये क्यों स्वीकार किया था कि विभव कुमार ने जो किया वो गलत है और केजरीवाल उस पर एक्शन लेंगे। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं, पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं, हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहती है। लेकिन सवाल उठता है कि विभव कुमार लखनऊ में केजरीवाल और संजय सिंह के साथ यात्रा कर रहे थे, तो क्या विभव कुमार ने तब भी केजरीवाल और संजय सिंह को अपना पक्ष नहीं बताया था? लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के सवाल को ही टाल दिया था और संजय सिंह मणिपुर का जिक्र करने लगे थे। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आप क्यों जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक? अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में आए, आज आपके साथ में भी आए, भाजपा ही किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपा ही किसी के सगे नहीं है और भाजपा ही झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने
बलात्कार किया, दरिंदगी की मां की उम्र की महिलाओं के साथ, प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है। हालांकि विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ क्रॉस FIR दर्ज करवाई है। विभव का कहना है कि स्वाति बिना अपॉइंटमेंट के सीएम हाउस में घुस आई और हंगामा करने लगी, जिससे सीएम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई और फिर उन पर झूठे आरोप लगा दिए। विभव कुमार जी ने 24 घंटे पहले एक दिल्ली पुलिस में एक काउंटर कंप्लेंट दर्ज करी। अभी तक विभव कुमार जी की कंप्लेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी। ऐसा कैसे हो गया कि स्वाति मालीवाल जी का जब मुद्दा सामने आता है तो पुलिस वाले खुद उनके घर पहुंच जाते हैं, भारी संख्या में पहुंच जाते हैं, चार चार घंटे तक उनके यहां रहते हैं, एक घंटे के अंदर FIR फाइल कर देते हैं, दो घंटे के अंदर मीडिया पे चलवा देते हैं। लेकिन जब विभव कुमार जी कंप्लेंट फाइल करते हैं, ट्रेसपासिंग की कंप्लेंट फाइल करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच की कंप्लेंट फाइल करते हैं, सरकारी अफसरों पर किस तरह से उनको काम करने से रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो दिल्ली पुलिस चुप है। दिल्ली पुलिस उस पर FIR नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस उस पर जवाब तक नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस इस केस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार बनकर चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी पर हमला कर रही है। ये है इस पूरे केस की सच्चाई। वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी विभव कुमार को बचा रही है, क्योंकि उसने धमकी दी है कि अगर मैं फंसा तो सारे राज खोल दूंगा। कुल मिलाकर इस मामले में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में बवाल मचा दिया है। चुनावी समर में महिला सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है, बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया और उसने तुरंत इसे लपकते हुए न सिर्फ केजरीवाल पर बल्कि इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। ऐसे में आने वाले चुनावी चरणों में स्वाति मालीवाल का ये मुद्दा छाए रहने के पूरे आसार हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। केजरीवाल को चाहिए कि इस मामले में सामने आए और स्थिति को साफ करें, वरना सिर्फ अपने लिए नहीं वो बल्कि सहयोगियों के लिए भी मुसीबत बन जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही साथियों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ भी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।